नमस्कार, मैं हूं पुष्पा चौधरी। आज का मुद्दा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चीन नाम सुनते ही दबी कुचली आंखों वाले वो गीदड़ नजर आने लगते हैं जो चोरी छिपकर वार करते हैं और पाकिस्तान को भारत के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम आप जैसे लोग चीन को ताकत देते हैं। आप ये खबर देखेंगे तो आप भी शायद अपना महत्वपूर्ण समय हमें देना पसंद ना करें, लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं ये खबर पूरी देखें और इसे एक नहीं बल्कि बार बार शेयर करें, क्योंकि शुरुआत आपको करनी है और हमें करनी है। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्हें हमारी बातें बकवास लग रही होंगी, लेकिन फिर हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया करके हमारी बात को इस तरह से सुने मानो हम आज भारत के उज्जवल भविष्य के लिए आपसे भीख मांग रहे हों। ओनली न्यूज ने एक बीड़ा उठाया है कि हमें चीन के प्रोडक्ट को भारत से बाहर फेंकना है। अब आप जरा आप अपने आसपास देखिए, आपको हम विश्वास दिलाते हैं आपके आसपास कितने भी प्रोडक्ट पड़े हों उनमें से ज्यादातर चीन के प्रोडक्ट होंगे और उस पर मेड इन चाइना लिखा होगा। हमारी ये रिपोर्ट देखिए जिससे आप देखेंगे कि कैसे महज कुछ दिनों में ही चीन के प्रोडक्ट को भारत से बाहर फेंका जाएगा और चीन रोता चिल्लाता अपनी औकात दिखाएगा। आप रिपोर्ट देखिए, लेकिन आपसे अनुरोध है कि कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ कसम खाएं कि आप चीन के प्रोडक्ट को ना बोलने जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चीन एक ऐसा नाम जिसने हमारी जिंदगी तबाह कर रखी है। हम अपने जवानों की मौत का सामान चीन से खरीदते हैं और उसके बदले चीन हमारे जवानों के सीने पर लगने वाली गोलियां खरीदता है। आप सोचिए कि आपके परिवार में किसी को भी हल्का सा बुखार होने पर पूरा परिवार परेशान हो जाता है। ऐसे में जब किसी जवान बेटे का शव बुरे हाल में उसके घर पर पहुंचता होगा तो वहां क्या हालात होते होंगे। आज हमें लोग संघी, भाजपाई या दलाल बोले, लेकिन हम आज ऐसा कैंपेन चलाने जा रहे हैं, उसमें आपको हिस्सा लेना होगा और आप घर बैठे हिस्सा लेंगे और घड़ी से देखकर आपको 10 मिनट देने हैं। आप विरोध के तौर पर एक चाइना का कोई भी प्रोडक्ट तोड़कर या जलाते हुए वीडियो या फिर फोटो हमें व्हाट्सएप करें। हम अगले आज के मुद्दा प्रोग्राम में उस फोटो को शामिल करेंगे और आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप हमें फोटो सेंड करेंगे तो हम पूरे उत्साह से उस फोटो वीडियो को अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। आप में से कुछ लकी लोगों को मेक इन इंडिया के अंदर बने हुए प्रोडक्ट को गिफ्ट में देंगे, तो आप ये मुहिम अभी शुरू करें। चलिए अब हम आपको नंबर बता देते हैं जिस पर आप व्हाट्सएप करेंगे। नंबर है 9717458653। तो अभी मैसेज करें और पीएम मोदी के मेक इन इंडिया के सपनों को पूरा करें। और हाँ, आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करो और नीचे दिख रहे बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, जिससे हम जब अगला आज का मुद्दा प्रोग्राम दें तो आपको आपकी वीडियो और पिक्चर दिख सके। अगली रिपोर्ट में देखिए कैसे महज एक महीने के अंदर पूरा चीन बर्बाद हो जाएगा और छोटी कद के गीदड़ कैसे चीखेंगे और चिल्लाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपनी वीडियो और फोटो भेजें, जिससे ये क्रांति देश में ऐसे फैले कि लोग सिर्फ और सिर्फ यही कहते नजर आएं कि चीनियों के प्रोडक्ट और अपने जवानों की मौत के सामान को बंद करो। आप में से कुछ लोगों में यह दिमाग है तो ये बात सोच रहे हो कि मोदी खुद क्यों नहीं चीन के प्रोडक्ट को बंद कर देते, तो हम आपको बता दें सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं और उसके तले सरकार को कई बार चलना पड़ता है। जब 125 करोड़ भारतीय सोच लेंगे कि चीन के सामान में हमारी सेना के बेटों के मौत का सामान छिपा है, तो आप खुद ब खुद चीन के प्रोडक्ट को बंद कर देंगे और जवाब में चीन की इकोनॉमी ऐसे बर्बाद होगी जैसे मानो ताश की गड्डी ढह रही हो। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये देखिए, ये ड्रैगन है और उसकी जिंदगी तबाह करने का जिम्मा हमारे हाथ आया है। अब बस कुछ हफ्तों में चीन बर्बाद हो जाएगा। एक तरफ पीएम मोदी चीन और पाकिस्तान को आइसोलेट यानी अलग थलग कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब देश की जनता जाग चुकी है। हम आपको बता दें, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि महज हल्के फुल्के कैंपेन से ही चीन का जो हाल हुआ है उससे अब चीन बौखलाने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि चीन की इस तरह की बौखलाहट में मोदी सरकार के नीति
और आपका हमारा जागरूक होना है। अगर आप पैसे लगाकर चीन के प्रोडक्ट को खरीद कर लाए हैं तो एक बार उसको जलाने या तोड़ने में आपको दुख होगा, लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं कोई भी छोटे से छोटे प्रोडक्ट को आप जलाएं या तोड़े, फिर आप व्हाट्सएप के द्वारा भेज दे। हम नहीं कहते कि आप पैसे लगाकर लाए प्रोडक्ट को फेंके, लेकिन आपको तिरंगे में लपेटे अपने जवानों की शहादत पर दिल पिघलता है तो आप आगे से कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदे, जिससे आप चीन को एक महीने में रुला सकते हैं। जहां भी लिखा हो मेड इन चाइना वो प्रोडक्ट देखे तो दुकानदार को ये कहकर मना करें कि आपका प्रोडक्ट चाइना का है, हम इससे नहीं लेंगे। सेमी होलसेल बायर जो है या होलसेल बायर है उसने भी परचेजिंग रोक दी है, जो इम्पोर्टर से परचेजिंग उसने भी रोक दी है, क्योंकि उसको भी शंका है कि मैं इस माल को पूरी तरह से निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए उसने परचेज करना बंद कर दिया है। आजकल तो ना के बराबर ही है, ना के बराबर। हाँ जी, पहले अच्छा सेल हो जाती थी हमारी, 50-60 हज़ार तक के सेल निकल जाती थी, आजकल सेल हो ही नहीं। आप में से कुछ लोगों को हमारी बात बकवास लग सकती है, लेकिन ओनली न्यूज हमेशा जाता है सच की तह तक, और हमारी पूरी कोशिश होती है देश प्रेम जैसी बातों को आपके दिल में घोलना और अपनी स्क्रिप्ट के माध्यम से भारत माता की जय ना कहने वालों के मुंह में हाथ डालकर उनसे भारत माता की जय बुलवाना। हमारी अगली रिपोर्ट देखिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कुछ व्यापारी आपके दिमाग को कैसे बदलने वाले हैं और अपनी कमाई के चक्कर में कैसे देश बेच रहे हैं। हम फिर आग्रह करते हैं कि इस खबर को अत्यधिक शेयर करें, हमें यहाँ पर कोई कमाई नहीं करनी है, तो यदि संभव हो तो हमारी वीडियो को डाउनलोड करें और उसे नॉर्मल तरीके से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। फिर हम आपको बता दें, हम इमोशनल करके या फिर किसी भी तरीके से ये काम आपसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है इससे देश को कैसे फायदा होने वाला है। देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आपको गुस्सा भी आएगा और ऐसा भी हो सकता है आप इसे देखकर भड़क भी जाएं, लेकिन हमारा काम है सच दिखाना, तो हम दिखा रहे हैं। आप शांति बनाए रखें और हमारी बातों को सुने। हम नहीं कहते आप हिंसा करें, लेकिन किसी को समझाना है तो उसे तरीके से जरूर समझाएं। आप किसी भी दुकान पर चीन का प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे और आप उसे लेने से मना कर देंगे तो आपको एक बात सुनने को मिल सकती है, वो हम आपको अगली रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन हम आपसे फिर निवेदन करते हैं कि मेक इन इंडिया से जुड़ें। गिफ्ट लेने के लिए आप हमें अपने चीन प्रोडक्ट को जलाते या तोड़ते हुए वीडियो या फिर फोटो जरूर भेजें, हम प्रोग्राम में उस वीडियो को शामिल करेंगे। आपको आपका गिफ्ट देने के लिए ओनली न्यूज कॉल करेगा। फिलहाल देखिए ये रिपोर्ट। आप जब भी चीन के प्रोडक्ट को लेने से मना करेंगे तो उसके तुरंत बाद आपको ये बातें सुनने को मिल सकती हैं। आज ही बड़े आए देशभक्ति करने, क्या खाने की रोटी तुम्हें मोदी देगा, या फिर ऐसी भी बातें सुनने को मिल सकती हैं कि आप क्रांतिकारी क्यों हो रहे हैं, तुम्हारे एक के करने से क्या होगा, सरकार को बोलो बैन करे। लेकिन आप दिमाग में होमवर्क करके जाएं कि आपके सामने जवानों की मौत का बदला होना चाहिए और आंखों में तिरंगा चमकना चाहिए। ओनली न्यूज चैनल से कहता है कि हमारे इतने बड़े न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म पर जब ये खबर पब्लिश हो रही है तो इस क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होनी है और सामाजिक साइटों के माध्यम से ये फैलेगा। और हाँ, आपको सिर्फ अपना काम करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया तो समझो देश ने अपना काम कर दिया। वीडियो एडिटर पुष्पांजलि दास के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज 24x7 टीम दिल्ली। तो आज का मुद्दा के आज के प्रोग्राम में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे के साथ और हमारा अगला मुद्दा यही होगा और हम आपकी वीडियो और फोटो के साथ हाजिर होंगे। तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें और इंतजार करें अगले एपिसोड का। ध्यान रहे, आप जब हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको जवाब में अगले एपिसोड का समय और तारीख भी बता देंगे। तो बने रहे हमारे साथ ओनली न्यूज 24x7 सच की तह तक।